मैं शोभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शोभा कुमारी देसी ब्लॉग में। आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों बज गए हैं सुबह के 8:30 और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म है, बेडशीट वगैरह है। तो किसी दिन ऐसा नहीं होता, किसी दिन कपड़े नहीं होते, किसी दिन यूनिफॉर्म हो जाता है, किसी दिन पर्दे हो जाते हैं, तो किसी दिन बेडशीट हो जाता है। तो काम हम लोग का किसी दिन ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को सर्फ में डाल के सोप होने के लिए दे दूँगी थोड़ी देर तक। जब तक मैं इधर क्लीनिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फ्रेंड। बस बिंदी लिपस्टिक और एक वाइट टोन लगाती हूँ। वाइट टोन भी मैं कभी कदार लगाती हूँ और बस मैं रेडी हो गई हूँ। तो बाल अभी मेरे गीले हैं तो मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाया, तो बाल थोड़ी सूखने देती हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ब्लैक कलर की है साड़ी। तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, तो मुझे आज रील्स बनानी है, तो मैं एक पल्ला साड़ी लूँगी, तो इस वजह से मैंने इसका प्लेट नहीं बनाया फ्रेंड। इस टाइप की लग रही है और बहुत प्यारी साड़ी है ये, मेरी फेवरेट साड़ी में से है ये। तो ये फ्रेंड मेरी सिंपल सा मेकअप लुक वीडियो था। तो आप लोग को हो सके बहुत अच्छा लगे हो या ना अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मेरी साड़ी, मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो बस सूख जाएंगे और फिर मैं एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लूँगी। फ्रेंड मैंने घर की मंदिर में पूजा कर लिया और यहाँ पे आंगन में तुलसी जी हैं और साथ में ही गमले में मैंने शिवलिंग को भी छोटा सा रखा है, तो वहाँ पे भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और आज है शनिवार तो शमी भगवान का जो पौधा है मैं वहाँ पे भी दीपक दिखाती हूँ फ्रेंड। तो अब फ्रेंड अब बज गए हैं 12 और मैं यहाँ दाल बिठा दी हूँ कुकर में, और जो सुबह के बर्तन हैं उसे मैं सभी अरेंज कर लूँगी। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे तो आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और घर का काम भी कम लगेगा, नहीं तो एक बार काम करने से काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बिठा दी हूँ और हमारी दाल बन गई है, और इसी के साथ मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ उधर इंडक्शन पर। तो ये मेरी घर की दाल है, तो ये इस तरह से थोड़ी थिकनेस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा गल जाता है ये अगर एक सीटी भी आप ज़्यादा लगा दो तो। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Thank you.
खाना भी रेडी हो गया। तो ये भुजिया मैंने सुबह बनाई थी बच्चों के लिए लंच के लिए। तो इधर हमारा दाल भी रेडी हो गया है और ये चावल होने वाला है। और बनाई थी नेनुआ की सब्जी। तो ये हमारा दोपहर का खाना हो गया। और मैं इतना मेकअप करके इसलिए हूँ फ्रेंड कि मैं रील शूट कर रही थी तो इसी वजह से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल पे। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।